हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी नीति हम देख रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 सीरीज ये इसका पार्ट सिक्स तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटस गवर्निंग यूज ऑफ फ्लैग ठीक है तो आप जानते हैं पिछले साल हमारे यहाँ पे मतलब एससी की डिसीजन की वजह से दैट इज नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है वगैरह और बाद में फिर नेशनल सॉन्ग पे भी कोई इशू हो गया था तो इस वजह से कुछ ना कुछ नेशनल फ्लैग नेशनल इशू नेशनल फ्लैग नेशनल हमारा एंथम और स्टेट uh, एमलम इस पे कोई ना कोई जो है वो न्यूज आ रही थी तो इस वजह से हमने पहले तीनों जो क्वेश्चन है वो इन्हो इन्हीं बातों पे कवर कर लिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दी ये जो है इनमें से दिए गए कौन से जो स्टेटस गवर्निंग यूज ऑफ फ्लैग है ऐसा हमारा क्वेश्चन है

और ए उसमें ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ठीक है जी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक पिटिशन दायर की गई थी कि ये नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के साथ इसमें नेशनल सॉन्ग भी एड कर देना चाहिए या नहीं मतलब नेशनल सॉन्ग को भी इसमें रिस्पेक्ट करना आ, है हमारी ड्यूटी है या नहीं ऐसी भी बातें पिछले दिनों न्यूज में थी तो देखिए इसमें सिर्फ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है नेशनल सॉन्ग जो है वो नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों न्यूज आई थी इसके बारे में कहा है तो ये एक बात हो गई और साथ ही साथ जो हमने देखा था स्टेटस गवर्निंग यूज ऑफ फ्लैग ये कौन कौन से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ देखिए पहला क्या है एमलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम प्रॉपर यूज एक्ट नाइन फिफ्टीट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू दी नेक्स्ट इज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू थाउजेंड एंड टू तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ठीक है स्टेट एम्बलम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो फर्स्ट क्या है इट इज एन एडेप्शन फ्रॉम दी सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका मतलब ये जो लिया गया है तो कहा से लिया गया सारनाथ लायन कैपिटल जो है फ्रॉम अशोका तो यहां से लिया गया है नेक्स्ट इज द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद गरी स्क्रिप्ट ठीक है तो आप जानतेमे कहा एड कर दिया तो ये सत्यमयज के उपनिषित से लिया गया ये बात सही है लेकिन क्या ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिख गया, गया है या नहीं ये हमें बता रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में नेक्स्ट इज द यूज ऑफ स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया एज ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू देशनल ऑनर एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन मतलब जो हमने अभी हमारे पहले क्वेश्चन में जो देखा था तो ये जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन इसके तहत स्टेट का भी जो यूज है 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 वो रेगुलेटेड कर दिया गया है नहीं या नहीं है, हमें थर्ड स्टेटमेंट में बताना है। तो देखिए इनमें से कौन से करेक्ट है तो देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बात सही है लेकिन इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात इनकरेक्ट है क्योंकि ये यह यहां पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट ये नहीं है मैं इसका आंसर बताता हूँ तो देखिए इसके पहले और सेकेंड स्टेटमेंट ये दोनों जो है ये बात सही है तो आंसर है इसका सी दैट इज वन एंड टू करेक्ट ये कौन से एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है तो एक्ट है वो स्टेट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इंप्रोपर यूज एक्ट 2005 ठीक है इस एक्ट के तहत हमारा जो स्टेट एम्लेम है उसका यूज रेगुलेट कर दिया गया है तो इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम द स्टेट एम्लेम अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950 ऑन जनवरी 26 1950 मतलब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो गया उसी दिन ये स्टेट एम्ब्लम जो था वो भी अडॉप्ट कर दिया गया था और इसके सिर्फ तीन जो लाइन से आप तो जानते हैं यहाँ पे चार लाइन से जो सारनाथ का लायन कैपिटल है वहाँ पे तो इसमें से ये जो तीन लाइन से वही विजिबल होते हैं इसके एक सेंटर में व्हील है ये इट अपीयर्स व्हील इन द सेंटर बुल एट द राइट बुल एट द राइट एंड Horse at the left, और जो सारनाथ का जो लायन कैपिटल ओरिजिनल जो है इसमें नीचे जो है ना ऐसे लोटस शेप भी है, लोटस, बेल, बेल शेप लोटस भी है यहाँ पे लेकिन ये हमारे स्टेट एम्बलम में इसमें एड नहीं कर दिया गया ठीक है एंड जो हमने देखा एक्ट फिर से एक बार बता देता हूँ स्टेट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रोपर यूज एक्ट टू और इसके तहत नो इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज परमिटेड टू यूज द एम्बलम फॉर

हमारे ग्रेट रविंद्रनाथ टागोर इनके द्वारा और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड द नेशनल एंथम प्रायर टू दिन ऑफ नेशनल फ्लैग ठीक है, गंसे गंसे है, है. Is, मतलब हमारा जो, जो है, वो पहले अडोप्ट कर दिया गया था और नेशनल फ्लैग जो है वो बाद में किया गया था ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है ठीक है एंड नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट इट वॉज फर्स्ट संघ दैट इज नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग ऑन द 27, 1911 एट द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब जो हमारा 1911 का लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसके तो उस सेशन में पहली बार नेशनल एंथम जो था जनगणमन ये गाया गया, गया था ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है तो इनमें से कौन से करेक्ट है देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है दैट इज ये uh, जनगणमन ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था रविंद्रनाथ टागोर द्वारा और इसका ये हिंदी वर्जन है तो ये बात फर्स्ट स्टेटमेंट सही है सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि नेशनल फ्लैग जो था ना ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था ठीक है इंडिपेंडेंस से पहले दैट इज जुलाई 1947 में ही ये नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था और हमारा नेशनल एंथम जो है ये बाद में दैट इज 20 जो हमारा 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट हुआ था मतलब जस्ट टू डेज प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो इस वजह से ये सेकंड सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी आपको लग सकता है कि ये बहुत फैक्चुअल मतलब हमने डेट पूछ ली होगी लेकिन जी

तो देख लेते हैं नेशनल एंथम के बारे में भी जी जैसा कि हमने कहा ये बंगाली वर्जन हिंदी वर्जन इसको अडॉप्ट कर लिया गया ऑन जनवरी 2014 1950 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था जुलाई 22 1947 ठीक है हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले और अगर आपको पता है हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने किया था हमारे लक्ष्मीकांत बुक में भी बताया गया तो हमें कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट देखते हैं इट वॉज फर्स्ट सॉन्ग ऑन डिसम्बर ट्वेंटी सेवन नाइनटीन इलेवन एट दी कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके जो हमने मतलब मेन जो आ, Song है, five, five है, लेकिन से सम, हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ एक ही स्टैंड है और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था सो मैं, हमने एड कर दिया लेकिन ऐसा भी है कि इसका जो शॉर्ट वर्जन है हमारे नेशनल एंथम का वो कैसे मतलब फर्स्ट स्टैंडा और लास्ट लाइन कुछ फर्स्ट लाइन्स और लास्ट लाइन कुछ ऐसे बीस सेकेंड में भी ये गाया जाता है कुछ सर्टन ओकेजन पे ठीक है तो ये हो गए नेशनल एंथम ये तीनों बातें जो है अभी हमने अच्छे से कवर कर लिए तो देखते हैं अब अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन द अजेंडा फॉर द बजट सेवनटीन एटीन मतलब इस साल का जो हमारा बजट है उसका अजेंडा क्या है तो ऐसे जो हमने एक बार आई थिंक 2014 में 2014 के पेपर में देखा था कि जो हमारी फाइव ईयर प्लान था उसका एजेंडा क्या था ऐसा क्वेश्चन आया गया था तो इस बार हम ये क्वेश्चन हमने इस वजह से ऐड किया कि बजट जो हमारा है इस साल का इसका एजेंडा क्या है तो देखिए क्या है ऑप्शन दिए गए डिजिटल इंडिया डेवलप्ड इंडिया नेक्स्ट इज फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया एंड लास्ट इज स्मार्ट इंडिया स्वच्छ इंडिया ठीक है तो इनमें से कौन सा आंसर है जी देखिए ये जो है ना बी तो ये तो हमारा ट्वेल्थ फाइनेंशियल जो फाइव ईयर प्लान था इसका एजेंडा था तो ये बात नहीं है और ए सी और डी इनमें से अभी कौन सा है हमारा एजेंडा फॉर बजट बजटीन एटीन तो यह है इसका आंसर सी दैट इज ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया ठीक है तो इसका आंसर है सी देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया तो इसमें तहत क्या आता है ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अवर पीपल एनर्जाइज द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली द यूथ वर्नरेबल एनिमल डेम टू अनिज ट्रू पोटेंशियल एंड क्लीन में क्या आता है क्लीन द कंट्री फ्रॉम दप्शन ब्लैक मनी नॉन ट्रांसपरेंट पॉलिटिकल फंडिंग आप चाहे तो एक बार पढ़ ही लेता हूं मेन्स में भी कोई आपको हेल्पफुल रहे तो एक बार बस कौन कौन सी थीम ब्रॉड एजेंडा कौन कौन से वो हम देख लेते हैं फार्मर्स रूरल पॉपुलेशन यूथ पुअर एंड अंडर प्रिवलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सेक्टर डिजिटल इकोनॉमी पब्लिक सर्विसिंग प्रोडेंशियल ठीक है इसके बारे में हमने कुछ छोटे से डिटेल्स वो दिए आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर एसेट रीहेबिलेशन एजेंसी पैरा ये क्या है ऐसा हमारा क्वेश्चन है तो पैरा जी इसके बारे में हमारे इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन uh, प्रोवाइड की थी तो देखिए ये क्या है कंपनी बैंक मतलब uh, हमारी जो बैंक है ऐसा ए ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर मतलब जो हमारी बैंक ba है उनके जो बैड लोन्स है ये खरीदेगी ये कंपनी ऐसा बी सेटमेंट है नेक्स्ट इज अंपनी विच री इंश्योर्स बैंक मतलब जो uh, एक ऐसी कंपनी बनाई जा रही वाली है पैरा

ट्विन मतलब जो कंडीशन हो, हो, तो तो हो गई है तो इसी वजह से ये पैरा बना नहीं जा रही है तो इसमें क्या होगा कि कंसिडर कीजिए कि जी जो है उन्होंने कुछ नौ थाउजेंड रुपीज का नौ थाउजेंड करोड़ रुपीज का जो अभी उनसे आना बकाया है ठीक है तो इस वजह से ये जो पैरा जो होगी ना ये उन बैंकों से ये जो नौ हजार करोड़ है वो कंसिडर कीजिए कि वो कुछ एस्टिमेशन कर लेगी और पांच हजार करोड़ रुपए में वो जो है वो खरीद ठीक है और ये अभी कुछ जो होंगे ना मतलब कुछ मॉटरे रखा होगा ना गिरवी तो रखा होगा ना तो ये जो ऐसी बात है लाइक किंग फिशर विला ये कुछ पैसों में बेच दिया ऐसे करके ये जो पैरा ये जो बैंक है ये अपने लिए जो इन्होंने पांच हजार रुपए में से खरीदा है तो खुद के लिए छह या सात हजार करोड़ रुपए ऐसे जमा कर लेगी ठीक है तो इस वजह से होगा क्या सबसे पहली तो ये जो बैंक का पैरा वुड इसशियली टेक चार्ज ऑफ लार्जेस्ट मोस्ट डिफिकल्ट केसेस एंड मेक पॉलिटिकल टफ डिसीजंस टू रिड्यूस डेट ठीक है तो इससे होगा क्या तो जो बैंक की जो कंडीशन है मतलब उनकी एनपीए उस वजह से उनकी कंडीशन खराब हो गई थी ना तो एटलीस्ट कुछ परसेंट जो है बैंक का वो तो उनको इस पैरा से ही डायरेक्टली मिल जाएगा पैसे तो इस वजह से बैंकिंग की भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमारा मतलब जो कुछ एसेट अभी एनपीए हो गया है तो वो भी मतलब हम यूज कर सकते हैं तो देख लीजिए फिर से एक बार अ बैड बैंक इज एसेंशियली अ गवर्नमेंट गिवन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी